It's been a really long time since I've cried like this in a film. बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और फनी भी है. एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट 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 वॉच. सीक्रेट सुपरस्टार इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड पैशन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, सो एवरीबॉडी शुड मस्ट वॉच इट. बहुत अच्छी, इट्स सच अ टचिंग, सच एन इमोशनल फिल्म. दिल खुश हो गया. कुछ ऐसी फिल्में होती हैं ना जो दे जस्ट मूव यू. ये दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स. एंड यू नो, हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. इतने खूब परफॉर्मेंसेस, एवरीवन इन द फिल्म इज सो परफेक्ट, एंड आई एम स्पीचलेस आई थिंक. नहीं बिल्कुल, जब मैं मतलब इस फिल्म में थोड़ा सा कैमियो किया और फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द फिल्म, और मैं तभी भी इतना अनुमान नहीं लगा था कि इतनी टचिंग फिल्म, इतनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही होगी ये फिल्म. और आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में कमाल की फिल्म हुई है, जिस तरह की एक्टिंग हुई है. और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पूरे फिल्म में, इट्स म्यूज़िक बेस्ड फिल्म, अगर वो गानों में वो बात नहीं होती तो फिर मतलब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं बनती. सो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज टू अमित त्रिवेदी, कौसर मुनीम, द वंडरफुल वॉइस, द गर्ल जो बच्ची गाई है, शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस. वाकई में लगता है कि एकदम दिल से आवाज़ आई है. और इट्स सो वाकई में अच्छी ये गाने. मैं जब ऐसी ऑडियो सुन रहा था उतना शायद समझ में नहीं आया मैं हूँ कौन, बहुत अच्छा लगा था बाकी गाने, लेकिन अब जब फिल्म में देखा सो एब्सोल्युटली परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. ऑफ कोर्स शक्ति कुमार इज किलिंग इट, परफॉर्म फैंटास्टिकली, द न्यू गर्ल, एवरी एक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. वी विश मोर सच फिल्म्स आर मेड, एंड थैंक्स टू अमीर वी आर गोइंग टू सी सच फिल्म्स इन फ्यूचर टू. आई होप ही कीप्स अप डूइंग सच गुड फिल्म्स. आमिर खान इज़ अ जीनियस. मैंने उनसे कहा है कि आई थिंक ही इज़ द फनीएस्ट पर्सन अलाइव. ही इज़ सो गुड इन द फिल्म. एक्चुअली मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, आपको फिल्म जाके देखना चाहिए, बट ही इज़ जस्ट अ जीनियस बिकॉज ऑल्सो ही इज़ फाउंड अ फिल्म लाइक दिस एंड ही इज़ पुशिंग द डायरेक्टर अद्वैत. फैबुलस जॉब फॉर हिज फर्स्ट फिल्म, इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. पिक्चर आई थिंक अब तक की जो मैंने पिक्चरें देखी हैं इस साल की, आई थिंक ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है. आई मीन आई कॉन्ट गेट ओवर इट स्टिल. आई मीन इतनी इमोशनल है, इतनी खूबसूरत है, हंसाती है, रुलाती है, परफॉर्मेंसेज आर आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन. आमिर खान ने हमेशा अपना कमाल दिखाया एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लेकिन इस फिल्म की जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और ही है. सबका काम टेरिफिक है, और ये डायरेक्टर अद्वैत जो है, आई थिंक बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी उनके एक्टिंग के बारे में अब छोटी में बड़ी बात हो जाती है, उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जो उनका तो कमाल है ही, और बहुत अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं, और टिपिकल लाउड ऐसे मतलब काफ़ी दो तीन कैरेक्टर्स मन में आ रहे हैं कि कौन हो सकते हैं ये बाय द वे, लेकिन इट्स नॉट क्लियरली एनीवन. लेकिन इवन मोर देन दैट, जो मम्मी का रोल प्ले किया है डैड, आई एम स्पीचलेस. इट्स वंडरफुल मूवी एंड इज अबाउट मदर एंड डॉटर, एंड दिस फिल्म इज ऑल फॉर मदर्स एंड डॉटर्स, एंड फैंटास्टिक, एंड हैट्स ऑफ टू अमित. I think that Meri Pyari Ammi, that's a beautiful song. Abhi the songs, I don't know the full names, but when you see the film, sare gaane itne khoobsurat hai because they all go with the film, you know, the picturization, and it is very very beautiful. Unhone pata nahi kahan se inko aise nibhaya hai, kyunki aise lag raha hai kuch, aap bhi dekhoge to aise lagega ki inhone yahan wahan se kuch kuch logo ko actually usme ek mein mix kar diya hai, but bahut maza aaya. I think it's one of his best characters. मैं यही कहना चाहूँगा कि आई केम हियर टू विश आमिर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, इज फैमिली टू मी, एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, एंड मैं उसकी हर पिक्चर देखता हूँ और उसके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हर उसकी पिक्चर कामयाब हो. आज मैं पिक्चर नहीं देख पाया, लेकिन दिवाली के बाद यही लाइट बॉक्स में देखूँगा. तो इसलिए सपनों को साकार करने के लिए जैसे आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में, खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं. इनको लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या वुमेन को अपना रास्ता चुनने का पूरा अख्तियार है, और जब चुनती है तो अपने सपनों को साकार करते हुए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है. इसको आप देख रहे हैं बहुत इस ग्रिपिंग फिल्म में, ये इमोशन से भरी हुई इस फिल्म में. इसमें जिस तरह से स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इमोशंस को, डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को और कमिटमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई है, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पेश किया है. ख़ास कर की
हीरोइन जो है जायरा, और जायरा के साथ साथ दूसरी हीरोइन जिन्होंने माँ का रोल किया है मेहर विज, बहुत ही बढ़िया काम किया इसने। वो लड़का राज है, एक अच्छा कलाकार है, और राज की शक्ल तो खैर आप में से किसी से मिलती जुलती भी है, बहुत बढ़िया काम किया। यानी और खैर आमिर खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चिराग दिखाने वाली बात होगी। आमिर खान तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, और इसमें बहुत नए तरीके से अपने को पेश किया है जो बहुत अच्छा भी लगता है और काफ़ी इंटरटेनिंग भी है। तो मैं इस फिल्म की सफलता के लिए आमिर खान को बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और इसकी सफलता के लिए इस फिल्म का सीक्रेट सुपरस्टार के लिए मैं सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली दिल खोलकर दुआ करता हूँ कि बहुत फिल्म कामयाब हो। बहुत अच्छा मिल रहा है अम्मी जी, मेरी पूरी जज्बाती हो चुकी हैं। अभी हम लोग हमारी आज की लास्ट स्क्रीनिंग थी और इट्स गोइंग वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड। लोगों को फिल्म जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा पसंद आ रही है, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड सो इज़ अम्मी जी एवरीथिंग। अम्मी बताएंगी, अम्मी तो अम्मी और मैं हम लोग एंग्जाइटी नर्वसनेस रहती है, बट वो प्रोसेस है। आई थिंक हमने अभी डिसाइड किया कि हम इन्जॉय करेंगे इस प्रोसेस को, पर नहीं हो रहा है पर कहीं ना कहीं नर्वसनेस है, दैट्स हाउ इट इज़।